आते हैं, मैं बड़ी मुश्किल से नीचे उतरा। मैंने अपने आटा से बड़ी मेहनत समाज करने के बाद छुट्टी ले ली कि भाई मैं कहीं जा रहा हूँ, वापस आऊंगा। हजरत सलमान फरमाते हैं कि मुझे उस पादरी ने जिसने कहा था उस नबी को जरूर होने वाला है, तीन निशानियां बताई थी कि वो नबी सदका नहीं देगा, दूसरी बात यह है वो नबी हदिया कबूल करेगा, तीसरी बात यह है उस नबी के यहाँ पर वो हजरत हुकूमत होगा। हजरत सलमान फरमाते हैं मैं वहां से छुट्टी लेके गया, कुछ खजूरें साथ लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये मैं आपके लिए खजूरें लाया हूँ, सदका कबूल फरमाइए। हुजूर ने फरमाया सलमान जरूर कबूल फरमाता, लेकिन मैं सदका नहीं खाता, अल्लाह की तरफ से मुझे इजाजत नहीं है, आप मेरे लिए लाए हो, लिहाजा मेरे सहाबा को खिला। सलमान फरमाते मैं खुश हो गया, एक निशान मुझे कबूल हो गया। फिर चला गया, कुछ अरसे के बाद दोबारा छुट्टी लेके आया, खजूरें लेके आया। मैंने कहा या रसूलुल्लाह अब हदिया ला रहा हूं। हुजूर ने फरमाया हदिया ये जायज है हमारे लिए, हुजूर ने कबूल फरमा लिया। सलमान फरमाते हैं खुश हो गया, दूसरी निशानी की पूरी हो गई। फिर मैं चला गया, एक दिन फिर छुट्टी लेके आया हुजूर की तलाश में। जब हुजूर ने सलात व सलाम को ढूंढते हुए आया तो हुजूर के मस्तान में एक सहाबी फौत हो गया, तो उसे दफन कर रहे थे। तो मैं वहां पहुंचा और हुजूर के पीछे पीछे हो रहा था। हुजूर समझ गए कि ये मौलवी नबूवत देखना चाहता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना कपड़ा यूं उठाया, हजरत सलमान फरमाते हैं मैंने मौलवी नबूवत को देखा, मैं चमट गया, बोसे देने लग गया। रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सारा वाकया बयान कर दिया। या रसूलुल्लाह आपके कदमों में आने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए मैं तो बादशाह का बेटा था, चौधरी का बेटा था, खान का बेटा था, लेकिन या रसूलुल्लाह आप तक पहुंचने के लिए मैंने दर दर की ठोकरें खाई, माँ बाप को कुर्बान किया, बीवी बच्चों को कुर्बान किया, औलाद को कुर्बान किया, बहन भाइयों को कुर्बान किया, कुंबे बरादरी को कुर्बान किया, इलाके को कुर्बान किया। या रसूलुल्लाह दर दर की ठोकरें खाने के बाद बकता बकाता हुआ आप तक पहुंचा हूँ, लेकिन या रसूलुल्लाह मुझे फख्र है कि तेरी मेराज कि तू लोह कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान को सीने से लगाया, सलमान से कहा तू गुलाम है, जा अपने आका से खिताबत कर।